दिस इज अंजू, वेलकम टू माय मोटिवेशनल जोन वंस अगेन। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। सो इसी के साथ मैं आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगी, वो है कि आपको अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। कई बार देखिए, लोग अपने आप को मेंटेन करना ही भूल जाते हैं। क्यों? अब शादी हो गई है, आफ्टर मैरिज, अब उन्हें मेंटेन करने की जरूरत क्या है? वेट गेन हो रहा है, जरूरत क्या है उसको मेंटेन करने की? बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए। एंड बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, अगर हम मोटे हो गए तो क्या हुआ, खाते पीते घर के हैं भाई। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपका सच में वेट गेन हो रहा है अननेसेसरी, तो ठीक है, आप कैसा सोचते हो ये अलग बात है, मगर साथ ही साथ बहुत सारी डिजीज भी लग जाती है, इसलिए हमें इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। इट्स ओके, अगर आप हेल्दी हैं, यू आर लुकिंग वेरी गुड, तो ये अलग बात है, मगर फिर भी हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना चाहिए। और ये सब हमारे हाथ में है, कई बारी हमारे हाथ में नहीं भी होता है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। और बहुत सारी लेडीज को आप देखिए, घर में जैसे मर्जी आए रहती हैं, अपना लगी हुई हैं, सब करती रहती हैं, बट दे नेवर थिंक कि अच्छा, जॉब नहीं करते, बाहर नहीं जाना, काम नहीं करना, तो फिर तैयारी किस बात की, किस लिए तैयार होके रहना? तो ये बहुत ही गलत बात है। हम सबको ये राइट है कि हम सब अच्छे से रहें, तैयार होके रहें, जब भी मौका मिले। यस ऑफ कोर्स, आप सभी वर्क करते हैं, वर्क करने के साथ साथ अपने आप को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी आप फ्री हों, आप अच्छे से बन के रहिए, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जो बाहर काम करती हैं उनको तो मौका मिलता है बाहर जाने का, वो लोग तो ड्रेसअप होके जाती हैं, मगर आप घर में रहती हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं, आपको भी ज़रूरत है। कभी तो ऐसा होता है, क्योंकि जो बाहर जाती हैं उन्हें तो मौका मिलता है अच्छे से तैयार होने का, मगर आपको नहीं मिलता। तो आपको भी अपना काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को मेनटेन करिए। इसलिए नहीं कि अरे शादी हो गई है, हु इज़ गोइंग टू सी यू, नो, अपने लिए, अपने लिए अच्छा फील करने के लिए, दैट आई एम लुकिंग गुड। ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, अपने लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए यू हैव टू मेंटेन। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक सुन के, क्योंकि हम जनरली बच्चों की केयर करते हैं, घर की केयर करते हैं, और अपनी केयर हम बिल्कुल नहीं। सारी वीडियोज़ में आपने ये भी सुना होगा कि जब आप सुंदर दिखते हो, सुंदर बन के रहते हो, अच्छे बन के रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो आपका शुक्र अपने आप मजबूत हो जाता है, और जब शुक्र मजबूत होता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक ठाक होने लगती हैं, लोग खुश रहते हैं, आपको देखकर लोग मुस्कुराते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो इसलिए सुंदर दिखना, अच्छे बनकर रहना, अच्छे से ड्रेसअप होकर रहना, अगर आप काम नहीं भी करती हैं, जॉब नहीं भी करती हैं, तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। देखिएगा, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो कभी भी नीरस से कुछ ना लगाना, बाल बिखरे हुए हैं, क्लेचर लगा लिया, काम में लगे हुए हैं, ऐसे बन के मत रहिए। अब अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, अपने लिए टाइम दीजिए, जैसे आप सबका ध्यान रखते हो, तो आज के बाद आप अपना ध्यान रखना भी शुरू कर दीजिए। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी केयर भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनरली इंडियन लेडीज में क्या देखा जाता है कि हम सबकी केयर करते हैं और हमारी केयर कोई नहीं करता, तो हमें अपनी केयर भी अपने आप ही करना पड़ेगा। सो फील गुड, लुक गुड, एंजॉय द लाइफ। आई थिंक आज से ही आप ये काम शुरू कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, कीप लर्निंग विद अंजू।